सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम हिंदी पढ़ाते हैं। और हिंदी में हम चार वर्णों को जोड़ के किस प्रकार शब्द बनता है ये हम आपको बता चुके हैं। फिर चार वर्णों से कुछ जुड़े अभ्यासकार भी हम आपको बताए थे। वाक्य लिखें, वाक्य पूरा करें, शब्द पूरा करें। आज कुछ और अधिक आपको हम अभ्यासकार बताते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि हम किस प्रकार से आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा आज का अभ्यासकार वाक्य बनाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ और चौकन अचकन, अचकन से मैंने वाक्य बनाया है। और चौकन अचकन पहन पहन, अचकन पहन। जितना सीधा और सरल वाक्य हो जो आपको समझ में आए वही आप बनाए, अधिक कठिन नहीं बनाना है। सरल शब्दों में सरल वाक्य बनाना है। फिर है नट खट नटखट, नट खट नटखट, मत मत बन बन, नटखट मत बन। कसरत कसरत, कसरत कसरत कर कर, कसरत कर। ये हम लोगों का क्या हो गया, कसरत कर। अब है बर गद बरगद, बर गद बरगद, पर पर मत मत, चढ़ चढ़ बरगद पर मत चढ़। आपको दिख रहा है कि आपके कॉपी में जिस प्रकार की लाइन है उसी प्रकार का हम ये बनाए हैं। आप अपने कॉपी में सुंदर से CW लिख के डेट दे के इस प्रकार से आपको जो PDF भेजा गया वो देख के बनाएंगे। और फिर आप यहाँ पे आइए, एक और अभ्यास कर हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा प्रश्न संख्या है, का प्रश्न संख्या दो, समान लय वाले शब्दों को मिला है, ठीक है। तो समान लय वाले शब्दों को मिलाना है तो हम फ्री हैंड यूज नहीं करेंगे। ऑलवेज ड्रॉ द लाइन विद हेल्प ऑफ स्केल। सो लुक हियर, हम मिलाएंगे किस प्रकार, तो अ चौकन अचकन है तो अचकन को इस तरह से स्केल से मिलाएंगे। अचकन को बचपन से मिलाए, ब चौकन बचपन, ठीक है। अब खटखट है, खटखट को मिलाएंगे नटखट से इस प्रकार, खाटा खाटा खटखट, नाटा खाटा नटखट। आप देख रहे हैं हम किस प्रकार से मिला रहे हैं स्केल से। फिर से यहाँ मलमल है तो मलमल को पलपल से मिलाइए, मल मल मलमल, अब पल पल पलपल है, दिख रहा है आपको। अब हम मिलाएंगे, मलमल मिला लिए पलपल से, अब मिलाएंगे सरपट को झटपट से, सारा पट सरपट, और यहाँ झट पट झटपट, ठीक है। देखो देखिए आप यहाँ मिला है, तो प्रश्न संख्या एक में वाक्य बनाना बताएं, प्रश्न संख्या दो में हम आपको समान लय वाले शब्दों को मिलाना बताएं। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताए हैं, इतना लिख के 1 2 3 4 चार लिख के बताए हैं। यहाँ भी आपको हम चार लिखे हैं, 1 2 3 4 आपके कॉपी में जिस प्रकार की लाइन है उसी प्रकार की पंक्तियाँ मैंने बोर्ड पर भी दिया है, श्याम पट पर, और फिर आपको हम बताए हैं यहाँ पर, ठीक। अब देखिए इसी से संबंधित ये कार्य हम आपको बताए हैं, तो एक और आएगा हमें दूसरा या तीसरा नंबर पे, शब्द पूरा करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा अ च क, अ च क, यहाँ पे खाली जगह रहेगा तो यहाँ हम न भर देंगे तो वो हो जाएगा अचकन। तो इस प्रकार से वो शब्द पूरा हो जाएगा, ठीक है। चार वर्ण आपको समझ में आ गया होगा। आप तो जो व्हाट्सएप में आपके पास जो PDF जा रही है आप उसे खूब सुंदर अक्षरों में, साफ व शुद्ध शुद्ध अक्षरों में लिखेंगे और सुंदर से बनाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर से हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।